Hey guys and welcome back to another video and आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है. It's going to be a very unique video. Today we are going to go and dine at a very big height. I think around 10-20 feet height रहने वाला है. I think so. I'm not sure कितना height है उनका. I'll let you know. So ये जगह का नाम is Sky Dining Pune and this is near Kasasai Dam. हिंजेवाड़ी से I think around 45 minutes की दूरी पे है and हम लोग just रस्ते पे ही है. So I am very excited for this and मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे होने वाला है ये experience. So stay tuned. So we are here now at the location and the name of the place is Sky Dining and जैसे मैंने बोला था ये कासासाई डैम के पास में. So मेरे बाजू में मेरे पीछे एक्चुअली अगर से आप देख सकते हो there is the crane. So basically एक बड़ा टेबल है यहाँ पे एंड वो क्रेन से उसे पिकअप करने वाले वो टेबल को एंड फिर वहाँ पे वो लोग बेसिकली स्ट्रैप ऑन्स और वो सब लगाने वाले सीट के ऊपर ताकि हम ऑब्वियसली गिरे नहीं एंड उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे अपना फूड एंजॉय करने वाले हैं. तो इट्स गोना बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. यहाँ पे वैसे तीन टाइप में यू नो तीन टाइम पे ही अलाउड है एक्चुअली. इट्स वैलिड फॉर लंच डिनर एंड मॉकटेल सेशन. सो हम लोग शाम के 5 बजे आए तो हम लोग अभी मॉकटेल सेशन करने वाले. उसमें दे आस्टा सा प्रेफरेंस विच इज़ वेज और नॉन वेज एंड वी सिलेक्टेड नॉन वेज. सो अभी देखते हैं क्या प्रोसेस होने वाला है. अभी वो लोग वैसे तो प्रिपेयर कर रहे हैं फूड. उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर बैठेंगे. वो लोग सिक्योरिटी वो सब बेसिकली सेफ्टी का वो सब चेक करेंगे एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है. सो हम लोग यहाँ पे अभी वो टेबल के यहाँ पे आ गए. सो इट्स अ वेरी बिग टेबल एंड काफ़ी ज़्यादा सीटिंग अलाउड है. आई थिंक देर इज़ अराउंड 20-30 पीपल का सीटिंग अवेलेबल एंड टू इट इज़ अटैच द क्रेन एंड देन उसके ऊपर फिर हम लोग वो क्रेन से वो पिकअप करेंगे एंड उसके बाद हम लोग फिर अपना खाने वाले खाना. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये वो सेफ्टी बेल्ट है एंड यहाँ पे सीट के ऊपर भी सेफ्टी का ये बेल्ट लगाया हुआ है ताकि हम लोग ऑब्वियसली गिरे नहीं क्योंकि काफ़ी हाइट पर रहने वाले. कितने हाइट पर रहने वाले भैया हम? 120 फीट. अच्छा मैं तो फिर भी बहुत कम बोला था. 120 फीट पे हम लोग रहने वाले हैं वहाँ पे वी गोना डाइन. सो ये जगह जो है दिस इज राइट नेक्स्ट टू रियो एम्ब्रीज रिजॉर्ट. आई थिंक इट इज ओन्ड बाय द सेम ओनर ओनली एंड ये आई थिंक उसका ही है एंड दिस इज राइट बाय द एज ऑफ द कासासाई डैम के वाटर्स. सो इट्स गोना बी अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू. जैसे आप देख सकते हो पीछे मेरे क्रेन है एंड वो टेबल भी है तो हमें जब पिकअप करेंगे हमें पूरा वो व्यू दिखने वाला है. तो इट्स गोना बी वेरी ब्यूटीफुल. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट राइट नाउ एंड जैसे ही फूड रेडी होएगा देन वी गोना गो इन एंड देन वी गोना गो हाई टू हैव अ फूड टुडे. अभी हम लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं एंड यहाँ पे वो लोग दे गोना स्ट्रैप मी इन. तो अभी भैया है मेरे साथ वो स्ट्रैप इन करने वाले हैं मेरे को. सो जैसे 120 फीट पे जाने वाले हैं तो काफ़ी हाइट पे जाने वाले तो प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे. दो स्ट्रैप है यहाँ पे एंड एक और यहाँ पे स्ट्रैप लगाने वाले हैं. ये वाला किसके लिए भैया? ये अच्छा वो ये ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ. मैं एकदम चक्कर आके मेरे को ऐसे देते ये बिल्कुल नहीं करना. इधर बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाले क्योंकि पहले से 120 फीट पे किस में इतना हिम्मत है जो ऐसा कर पाए इनको बताना प्लीज. ठीक है चलेगा. सो अभी चलते हैं. सो अभी हम लोग को पिकअप कर रही है एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रेजी सीन. अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा हाइट ऊपर जा रहे हैं. 120 फीट के हाइट पे जाने वाले हम लोग एंड मैंने एयरपोर्ट इसलिए पहने अभी बिकॉज पीछे से क्रेन का आवाज आ रहा है. सो आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी राइट नाउ. सो दैट्स द रीजन आई पुट माय एयरपोर्ट इन. एंड हम लोग अभी भी स्टिल पिकअप हो रहे हैं. एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है. मैं तो नहीं देख पाऊंगा नीचे कैसा लग रहा है.
सो काफ़ी हाइट पे अभी तक उठ गए हम लोग एंड मेरे को थोड़ा बहुत हाइट का फोबिया है बट देखते सेफ्टी हार्नेस उस पर लगा हुआ है, पता नहीं खाना भी जाएगा कि नहीं इतने हाइट के ऊपर। सो यहाँ पे इन्हें हार्नेस बनाया गया है, हमें यहाँ पे मॉकटेल दिए गए हैं। सो काफ़ी हाइट पे हम लोग, आई थिंक कितने 120 फीट पे है ना हम लोग, 120 फीट पे है हम लोग। एंड एक बार ये व्यू देख लो, यहाँ पे हेमन भी है इसे भी हाइट का फोबिया है। सो एक बार व्यू देख लो, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। एंड जिन्हें एक मॉर्निंग ने तोड़ा है अभी, जिन्हें हाइट का फोबिया है प्लीज़ नेक्स्ट 10 सेकेंड स्किप कर लीजिए, बिकॉज मैं एक बार दिखाने वाला हूँ कितने हाइट पर, मैं खुद नहीं दिख रहा हूँ ये बट मैं कैमरा से दिखा रहा हूँ आपको। सो जिन्हें हाइट का फोबिया है ये प्लीज़ आगे स्किप करना 10 से 15 सेकेंड। सो यहाँ पे हम लोग ऊपर है एंड दिस इज द हाइट वी आर एट ऑल। सो काफ़ी डरावना सीन फॉर एनीवन हु हैज अ हाइट फोबिया। सो वेरी स्कैरी, मैं खुद मेरे को बहुत डर लग रहा है नीचे देखते हुए, मैं नीचे देखूंगा। मुझे ये पता नहीं कि इतने हाइट में लोगों का खाना जाता कैसे, देखते हैं अभी अभी खाना वो सर्व करेंगे। सो आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे हमें अलग अलग डिशेज सर्व किए गए हैं, चिकन 65, चिकन चिली और कौन सा क्या भैया, चिकन क्रिस्पी, तीन अलग टाइप के चिकन के स्टार्टर्स है एंड मॉकटेल। सो खाना जो था ना काफ़ी डिलीशियस था एंड दिस इज द मॉकटेल सेशन ऑब्वियसली, तो यहाँ पे सिर्फ स्टार्टर्स है, लंच एंड फिर डिनर में प्रॉपर मेन कोर्स रहता रहेगा, खाना रहेगा, रोटी सब्जी रहेगी। एंड ये जो टेबल है इट कीप्स रोटेटिंग, तो वन बाय वन जो भी यू नो अलग अलग कॉर्नर्स पे यू कैन एक्सपीरियंस द होल वाइब एंड आपको पूरा व्यू दिख सकता है एक एक करके। सो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं, फिर नीचे आके मैं आपको बाकी का रिव्यू दूंगा क्योंकि मुझे अभी लिटरली कैमरा और पकड़ने को अभी थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पे क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही हाइट पे, एंड यहाँ से अगर गिरा तो फिर ख़त्म। फिर आपको तो आदत रहेगी ना पूरी हमेशा यहाँ पे चलेगा। अभी दिन में कितनी बार आप वैसे जाना पड़ता है? सब फ्राइडे सैटरडे संडे तो कोई गिनती नहीं है कितना बार। अच्छा 10-15 बार। अरे बाप रे। स्टार्ट स्टार्ट में थोड़ा सा डर लगता रहेगा। स्टार्ट में डर तो किसी को भी लगे है। तो वैसे है क्या, बहुत घबराया था किसी को है? हाँ किसी को चक्कर वक्कर आगे रहेंगे ऐसे? अच्छा नहीं, ऐसे कोई बोला क्या कि नहीं मेरे को नीचे जाने का अभी? हम पहले शायद सेफ्टी सेफ्टी है ना, सीट पे सेफ्टी है। एंड नाउ दे आर गेटिंग डाउन थोड़ा थोड़ा करके एंड हल्की सी बारिश भी चालू हो गई यहाँ पे, तो देखते अभी अभी नीचे जा रहे हैं फिर मैं बाकी का रिव्यू देता हूँ आपको। अच्छा था, काफी एक्सपीरियंस वेरी गुड टिल नाउ, आई गिव द लॉन्ग वर्जन ऑफ द एक्सपीरियंस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फाइनली वे नाउ बैक टू ग्राउंड एंड काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 120 फीट पे हम लोग गए थे ऊपर एंड फिर वापस नीचे आए। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वाइब, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट विच यू विल एक्सपीरियंस। द फूड वॉज एवरेज माने एंड द प्राइसिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव, माने जो मॉकटेल सेशन के लिए हम गए दैट वॉज 2000 रुपीज़ पर पर्सन प्लस टैक्सेज है उसके अलग से। एंड 2000 में देयर इज आई थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉकटेल्स एंड अलग अलग टाइप के तीन चार स्टार्टर्स है, तो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, इट्स ऑन अ बिट प्राइजियर साइड। यूजली 2000 में लोगों का पूरा खाना हो जाता है, तीन चार लोगों का, बट ठीक है। लंच का जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 5000 रुपीज़ प्लस टैक्सेज एंड इवन डिनर इज़ द सेम। सो ओवरऑल इट्स गुड फॉर अ वन टाइम थिंग, अगर आपको जाके कुछ एक्सपीरियंस करना है या कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन है जैसे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ हो ऐसा, तो उसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो एंड ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, इट्स अ गुड वाइब। एंड अगर किसको हाइट का फोबिया है देन सिर्फ नीचे मत देखना, अदरवाइज तुम तो जा ही सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हम भी गए थे, मुझे भी हाइट का फोबिया है, हेमंत को भी हाइट का फोबिया है, बट हम लोग स्टिल वहाँ पे गए थे, हमने सिर्फ नीचे नहीं देखा, बट ओवरऑल अच्छा है व्यू के लिए, अच्छा है व्यू के साथ डाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा रहेगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। आज हम लोग एक बहुत स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, बंद हुआ नहीं एंड फिर उसके बाद इट्स गोना बी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी नीचे रह के ज़मीन पे, आई एम फीलिंग डाउन टू अर्थ, दैट वॉज अ वेरी बैड जोक, इट्स ओके, मैं काफ़ी ट्रॉमा से अभी गुजरा हूँ ऊपर जाके।